अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों आज हम मौजूद हैं तारिक रोड पे और यहां पे आने का रीज़न हमारा है हसन अदील के दस्तरखान पे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि रमज़ान अफ्तार के दस्तरखान के नाम से हसन अदील का ये दस्तरखान है। तो ये पिछले 4-5 साल से ये इन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो अब हम हसन के पास जाते हैं, उनसे जाके मज़ीद बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ। पर आप भी अच्छा दोस्तों, हमारे साथ हसन साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत कम उम्र के हैं, इन्होंने 4-5 साल से इन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? जी जी चलें। हसन आप बताएं यार, ये कब से शुरू किया गया? देखिए 4 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस काम को करते हुए। 4 साल से इस काम को लेके चल रहे हैं कोविड के टाइम से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4th साल है और कराची की सबसे बड़ी अफ्तारियों में से एक अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लगा रहे हैं। आज मेन्यू में क्या आपने रखा है? दोस्तों हमारे साथ हसन साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत कम उम्र के हैं, इन्होंने 4-5 साल से इन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? चलें हसन आप बताएं यार, ये कब से शुरू किया गया? देखिए 4 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस काम को करते हुए। 4 साल से इस काम को लेके चल रहे हैं कोविड के टाइम से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4th साल है और कराची की सबसे बड़ी अफ्तारियों में से एक अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लगा रहे हैं। आज मेन्यू में क्या आपने रखा है? आज हमारे मेन्यू में जो है वो दूध का शरबत है, ठीक है। उसके साथ साथ आज हमारे पास बिरयानी है, चिकन की पानी है और ये सारी चीज़ें जो लोगों को इंशाल्लाह सर्व की जाएगी। अफ्तारी का सामान है, फ्रूट्स है, दीगर अशियाँ हैं। डेली के कितने लोग यहाँ पे जो है? तकरीबन 2 से 2500 लोगों का खाना बनता है। लोग आते हैं और लोग खाना मतलब ख़त्म हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता है। अच्छा सर, मुझे एक सवाल ये करना है कि रमजान में माशाल्लाह अफ्तारी लगा दी, तो रमजान के अलावा देखिए मुझे लोगों ने इस हवाले से बहुत जो है वो क्रिटिसाइज़ करा कि आप जो है सिर्फ रमज़ानों में काम करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मेरा वादा जो है वो रमज़ान से पहले शुरू हुआ था कि हमने जो है वो किसी को भूखा नहीं सोने देना। रमज़ान एक बाबरकत महीना है, एक रहमत वाला महीना है जिसमें हम 300 दिन काम करते हैं दिलो जान से। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सालाना भर हर इतवार की बुनियाद पर हमारा दस्तरखान लगता है जिसको हम लेके चलते हैं, जो इतनी तादाद का होता है। मेरी 9 साल उम्र थी जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, आज मेरी 14 साल उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई सबसे अच्छा काम देखिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है +92324922153। हमारी हेल्पलाइन है, इस पर रब्ता करके जो भी डोनेट करना चाहता है, किसी बंदे को किसी मद में मदद चाहिए वो भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा हमारा रमज़ानों के अलावा भी दस्तरखान इसी जगह पे लगता है। जो टीम भूखे नहीं सोएंगे वो अभी तक इसी पहुँचे। संडे एवरी संडे एवरी संडे। राशन वगैरह का भी कोई सेटअप है आप लोग कार के? देखिए राशन जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो चलती जा रही है साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट की चलते ट्रैफिक वगैरह की, तो कोई है प्रॉब्लम? देखिए गवर्नमेंट इस मद में तमाम सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही है। मैं इसमें गवर्नमेंट सिंध हुकूमत का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि हमारा साथ दे रही है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट बोर्ड हो की कंपनी हो या फिर वो जो है वो क्या बोलते हैं पुलिस हो या फिर वो लिफ्टर्स हो, तमाम चीज़ें जो हमारा इस काम में साथ दे रही हैं। कैसी आती है? नींद बहुत अच्छी आती है, नींद बहुत सुकून की आती है, दिल अपने आप से बहुत मुतमईन होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कारवां लेके चल रहा हूँ। इतने छोटे से पैमाने पे स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है 10 से 15 लोग हुआ करते थे इसी जगह पे जहाँ हम अफ्तारी लगा देते, मैं और मेरी वालदा होते थे, और आज उसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2500 लोग अफ्तारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात। अच्छा उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो अक्सर इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा बनाते हैं इस अफ्तारियों को? देखिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा जब मैं देखता हूँ ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो मैं अपने घरों में खाता हूँ वही मैंने लोगों को खिलाना है, चाहे जितने प्रोपेगेंडा बनते हैं बनते रहें, मेरा वादा है अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को लेकर चलते रहें। देखिए ये मुझे भी नहीं समझ आता कि उनको क्या तकलीफ़ है, मगर सिर्फ इतना ही कहेंगे अल्लाह उनको भी खुश रखे, जीते रहें सलामत रहें। अच्छा हसन मैं पूछना चाहूँगा कि आप सिर्फ अफ्तारी कर रहे हैं या सहरी का भी एहतमाम कर रहे हैं? देखिए हमारा इस वक्त करंटली सिर्फ अफ्तारी का है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अफ्तारी के मतलब आप जो वो 1.5-2 घंटे बाद फारिग हो जाते हो, मगर ऐसा नहीं है। तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद उस अफ्तारी के बाद आप यहीं बैठे रहते हो, तमाम चीज़ों को सफाई करना, बर्तन से लेके जगह के लेके हर चीज़ को साफ सुथरा करना, क्योंकि अगले दिन उसी तरीके उसी जस्तजू के साथ उसी जुनून के साथ खड़ा होना है और उसी वादे को लेके चलना है कि जो मैं और आप अपने घरों में खाते हैं जिस माहौल में खाते हैं उसी तरह लोग खिला। ये जो इफ्तार करने आते हैं लोग मुस्तहक लोग हैं या कोई भी कर सकता है? देखिए नहीं 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 इसमें ना ज़कात है ना फितरा है ना सदका है, उसकी जो भी डोनेशन आती हैं वो दूसरी चीज़ों में जो है वो यूज़ होती है, मगर ये जो दस्तरखान है ये बिल्कुल स्टाफ अमाउंट से होता है। और उसके अलावा जो है वो यहाँ देखिए खाना जो है वो अल्लाह की ज़ात के लाती है,
कोई रंगो नसर तफरीक करने वाले लोग हम यहाँ नहीं बैठे हैं, जो आएगा खाना खाया हमारे साथ, हम खाना खिलाने बैठे। तो ये लोग बता के देते हैं आपको कि मैं हम ज़कात के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जो देता है वो इन्फॉर्म करके ही। अच्छा, और ये आपको मतलब इस एज में आके ये इतना बड़ा काम करते हुए कैसा कैसा फील होता है? खुशी होती है, बहुत खुशी महसूस होता है कि मैं अपने मुल्क को फ़ख्र बनाऊँ और दुनिया भर से माएँ जो है वो मेरे लिए दुआएँ करती हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब काम करते हुए तुम्हारी स्टडी का क्या होता है, वो प्रॉपर कर लेते हो या नहीं कर पाते? नहीं नहीं, स्टडी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पोजीशन होल्डर हूँ तो वो साथ साथ कोप अप हो जाता है। अच्छा, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, आपके साथ और कौन है इसके साथ? देखिए, मेरी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 बंदों की, जो कि मेरे साथ इस काम में जो है वो लगी हुई है, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम पे अपना टाइम देना। आप सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप सब भी कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, कीमती वक्त निकाल के ना अपना, तो टाइम देना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी के अंदर। वॉलंटियरली वर्क कर रहे हैं, मुल्क के लिए वर्क कर रहे हैं, हम इनको कुछ पे नहीं करते। अच्छा, इस प्रोग्राम में आपके साथ आपकी वालदा भी देखा गया, आपके साथ वालदा भी आपके साथ हैं, तो वो कैसे है आपके साथ? देखिए, मैं समझता हूँ अगर वालिदैन की सपोर्ट ना हो तो ये काम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नहीं, दुनिया के किसी भी पहलू में, किसी भी काम में मैं वालिदैन से ही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की नीयत साफ है, काम अच्छा है, तो ज़रूर उसको सपोर्ट करें, उसकी प्रोफेशन में उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वालिदैन की सपोर्ट के बगैर बच्चा कुछ नहीं है। अगर हल्का सा भी वालिदैन मुतमईन नहीं होते तो मैं ये काम कैसे करता। थैंक यू हसन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी के लिए इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है साथ ही, और बाकी आगे आपको दशा खान की तरफ लेके जाते हैं, और यहाँ पे पहले चलते हैं आपको, यहाँ देखिए शरबत का एहतमाम किया जा रहा है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, साफ शफाफ। आज देखें जैसे दूध और रूह अफजा के साथ शरबत नज़र आके आप सबके दिखाते हैं। आइए, ये जैसे देख सकते हैं आप, ये आज आपके आप अवतार में दो बोरी जान तुम्हें समझा जैसे दोस्तों देख सकते हैं आप, ये देखें ये मसूरी पुलाव है आज, जैसे देख सकते हैं बड़े अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है लोगों ने। आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, हसन की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो हमें कुछ इस अफ्तारी के बारे में कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके साहबजादे से हमारी काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, कुछ हमें बताएं इसे अफ्तार को किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं लोग? अफ्तार माशाल्लाह अफ्तार प्लस डिनर है, और कोशिश यही है कि खाना जो हम खाते हैं, हसन ने अज़म लिया है, वही क्वालिटी फूड हो। ठीक है, खाने में क्वालिटी में कोई कमी पेशी नहीं हो। ठीक है, आप भी जाके देख सकते हैं। जी जी, मैंने और नंबर टू के जिस जिस तरीके से खिलाना है वो फीलिंग हो कि किसी को ऐसा ना लगे कि हम रोड पे बैठ के इफ्तार कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं। जी जी, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा हो रही है, फिनाइल से सारे पोछे लग रहे हैं, दस्तरखान पहले पूरा साफ़ किया गया, ये नंबर टू है। और नंबर थ्री ये है कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि बस जो सिलसिला हसन लेके चला है अल्लाह ताला उसको पूरा करे, और हम ये 30 दिन फिर इंशाल्लाह 2024 के दोबारा से पूरे करें। किस तरह लोग आपको कुछ डोनेट करें तो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा दोबारा बताएं ताकि अच्छा है। जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03249221523, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, उसमें सारी डिटेल्स हैं, बाकी ईजी पैसा जैस कैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है वो इसमें, बाकी दस्तरखान है इम्तियाज सुपर मार्केट है खालिद बिन वलीद रोड पे, वहाँ पे ये दस्तरखान लगता है, आप आए यहाँ पे आए डोनेट करें, पैसे दें, नहीं दिल चाह रहा खाना दे दें, नहीं दिल चाह रहा शरबत दे दें, नहीं दिल चाह रहा तो आप पकोड़े दे दें, समोसे दे दें, वो देखिए पीछे दिखाएं जरा, ये अपने घर से रोज इफ्तारी लेकर आते हैं। अच्छा, लोग दे रहे हैं यहाँ पे रोज डेली आके फ्रूट, थोड़ा सा थोड़ा खजूर, थोड़े केले लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कर लें, हमें तो किसी भी अंदाज में जो है वो यहाँ पे लोगों को खाना खिलाना है, बस हमारा अज़म यही है। कुछ पाकिस्तानी कौम के लिए कोई मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि अपने बच्चों के अंदर में जो हम लोग की माओ में जो होता है ना, मोस्टली हम लोग
माएँ ये बोलती हैं बच्चे घर में बैठे रहते, उनको मोबाइल दे दिया या उनको वीडियो गेम्स दे दी, उससे ज़्यादा अच्छा ये कि अगर बच्चों को कोई ऐसी आदत है शेयरिंग की, बांटने की, देने की, वो ख्वाहिशमंद है, तो ज़रूर उनसे कुछ कुछ करवाएं, ताकि हमारी जो नई नस्ल है, हमारी यूथ है, अगर वो देने में इंशाल्लाह आगे होगी तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता इंशाल्लाह। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टाइम देने बहुत शुक्रिया। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम देखिए किस तरह लोगों रश लगा हुआ है यहाँ पे, माशाल्लाह हर तबके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको दिखाया जैसे कि शरबत का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, इवन के साथ ही डिनर भी कराते हैं साथ ही साथ, प्लस आपके फ्रूट तो मिलता ही है। और देख जैसे देख सकते हैं अभी भी स्पेस काफ़ी है और अच्छे खासे लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी हमारे साथ रहेगा, आप तारीख करते हैं उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। बिल्कुल मेरा बड़ा पक्का यकीन है कि हमारी जो यूथ है पॉजिटिव चलेगी, मौका मिले मैं रोज़ा यहाँ आके अफ्तार कर लूँ, ये मुझे किसी भी अच्छी जगह, किसी ने मुझसे कहा कि आपके अफ्तार का अलग, मैंने कहा नहीं भाई मैं इधर ही बैठ के अफ्तार करूँगा सबके साथ, अलग नहीं बैठूंगा। मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग जिस लगन से ये काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप एक हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने लोगों की बड़ी खिदमत की है, सत्तारी जी साहब, चीपा साहब कर रहे हैं और लोग भी हैं, मुझे यकीन है कि ये नौजवान भी आगे चल के ऐसे ही कोई शख्सियत बनेंगे जो हमारे गरीब लोगों की और हमारे मुल्क की खिदमत करें। आप सबको रमज़ान मुबारक, अल्लाह आप सबका रोज़ा कबूल करे, हम सबका रोज़ा कबूल करे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल पैदा हो। हालात अच्छे नहीं है, गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, अल्लाह उन सब की मुश्किलें आसान करे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे। आप तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं सर, जितने भी हमारे मेंबर्स यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले सर, मैं पाकिस्तान बोलूँगा सबकी जोर से आवाज आनी चाहिए, जिंदाबाद, जोर से पाकिस्तान, जोर से सबके साथ पूरे दस्तरखान पे जितने हमारे मेहमान बैठे हैं, मैं पाकिस्तान बोलूंगा सबने जोर से जिंदाबाद बोलने, पाकिस्तान, पाकिस्तान, आखिरी बिल्कुल जोर से पाकिस्तान, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, फिर मिलते हैं किसी वीडियो सहित, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।